Hey guys, welcome back to the channel. और यार देखो काफी टाइम से जो है हमने एक 1 लाख रुपीस का गेमिंग पीसी बिल्ड नहीं बनाया, तो यार मैंने सोचा कि चलो यार एक काफी लंबा टाइम हो गया चैनल पे एक प्रॉपर 1 लाख रुपीस का लेटेस्ट गेमिंग पीसी डाल सके जिसमें जो है आप गेमिंग कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, भाई तुम्हारा जो चाहे वो मन उस पीसी पे तुम कर सकते हो। वेलसो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक्नैरियन यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट इन गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए। मेरे चैनल को गाइस यार मैं इंट्रो बोलते बोलते थक गया हूँ, ये मतलब यार क्या बताऊँ तुम्हें, सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस आफ्टर शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। यार देखो अब यार 1 लाख रुपीस के पीसी के अंदर यार जब कोई बंदा खरीदता है तो सबसे पहले तो यार या तो वो मतलब कोई प्रोडक्टिविटी वाला बंदा होगा, या फिर कोई हार्डकोर गेमर होगा, या फिर कोई एडिटर होगा। तो यार ये तीनों बंदे जो होते हैं तुम्हारे 1 लाख का पीसी खरीदते हैं। बाकी यार नॉर्मल गेमिंग पीसी तो 60-70 thousand में भी बन जाता है, ठीक है, डिबेटेबल चीज है, बट उसके बारे में हम भी और बात करेंगे। बेसिकली ये वाला जो पीसी बिल्ड है, ये वाला पीसी बिल्ड अगेन डिजिटली होने वाला है, सारे पार्ट्स में तो मैं अमेजन से बताऊंगा, तो यार तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अमेजन नीचे लिंक है अपनी दुकान की, तुम जाओ वहां से पार्ट्स खरीदो और मजे करो। बेसिकली सारे पीसी बिल्ड में डिजिटली बताऊंगा। सो लेट्स गो टू द डिस्प्ले, चेक आउट द पीसी बिल्ड। तो गाइस यार अभी हम हमारे पीसी पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो है मैंने सारे पार्ट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट करके डाल दिए कि यार जो तुम्हारे बेस्ट गेमिंग पीसी अंडर रुपीज 1 लाख के लिए जो पार्ट्स हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो कि हमारा है राइजन 5 7600X। अब ये जो है बेसिकली एक्स सीरीज का अनलॉक सीपीयू है, तुम चाहो तो इसे ओवरक्लॉक कर सकते हो, बट यार ओवरक्लॉक सब नहीं करेंगे, ठीक है, नॉर्मल ऑडियंस भी है और काफी हायर ऑडियंस भी है। तो यार देखो अब तुम लोग के क्वेश्चन होंगे कि भाई यार आपने क्यों मतलब 7600 लिया, 13600K या 13600KF नहीं लिया। तो देखो यार सबसे पहले मैंने दोनों CPUs लेने के लिए, क्योंकि यार देखो दोनों ही CPUs में तो देखो प्राइस का डिफरेंस है काइंड ऑफ अराउंड 6000 का डिफरेंस है, और 6000 के डिफरेंस को कंपेयर करके यार मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार अगर मैं इंटेल को 6000 rupees एक्स्ट्रा दूँ तो यार मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ वर्थ मिलेगी, क्योंकि दोनों ही CPUs काइंड ऑफ सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हाँ काइंड ऑफ गिनी गिनी गेम्स में 13600KF ज़्यादा है, जो कि 5% से मतलब वो 7600X को बीट करता है, बट वही बात है ना यार अगेन 6000 rupees एक्स्ट्रा भी ले रहा है और हम हमारी बात कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़ के अंदर के पीसी की, ठीक है। तो यार बजट को ध्यान में रखते हुए हमने 7600X लिया, 6 core 12 threads के साथ आता है और तो उसकी जो मैक्स बूस्ट है वो 5.3 GHz चली जाती है। बहुत ही प्यारा CPU है, एडिटिंग करो, गेमिंग करो, कुछ भी चीज़ करो भाई, एक नंबर CPU है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ CPU के चिपसेट के बारे में, तो देखो जैसे कि तुम्हें बताऊँ, तुम्हें पता है कि यार तुम्हारा जो AMD का जो AM5 जो नए वाले CPU 7000 सीरीज के, वो तुम्हारे DDR5 चिपसेट को सपोर्ट करते हैं, और वही चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने इस PC के अंदर बनाया है, हमने इस PC को DDR5 कंपैटिबल बनाया है, फ्यूचर प्रूफ बनाया है। तो इसके लिए मदरबोर्ड सेलेक्ट करेंगे MSI की तरफ से आने वाला प्रो सीरीज का B560M मदरबोर्ड, जिसमें तुम्हें वाईफाई का फीचर देखने को मिल जाता है, तुम्हारी रैम सपोर्ट करती है अप टू 6400+ MHz की जो है तुम्हारी रैम से सपोर्ट कर सकती है, रैम ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कौन सा रैम बाय कर रहे हो। PCIe Gen 4 का सपोर्ट तुम्हें इसमें देखने को मिल जाता है और बाकी सारे नॉर्मल फीचर्स जो है तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। कूलिंग इस मदरबोर्ड की एक नंबर है, PCB काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है, कॉपर की PCB डिज़ाइन है, टेम्परेचर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, टेम्परेचर्स अच्छा रहेंगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी निकलेगी। अब काइंड ऑफ काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी अवेलेबल है, बट वो ही अराउंड तुम्हारे 3000-4000 कॉस्टली पड़ रहे हैं, तो यार हमने कॉस्ट कटिंग के लिए हमने ये वाला मदरबोर्ड लिया है। उसके बाद मैं बात करूँ कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, तो स्टोरेज डिवाइसेस में जो है हमने वही अगेन हर पीसी में जो मैं लेता हूँ Seagate की तरफ से आने वाले तुम्हारे 12 TB के हार्ड ड्राइव और एटलीस्ट तुम्हारी 240 GB की SSD। अगर तुम्हें जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हारा वर्क ज़्यादा है लाइक काइंड ऑफ तुम्हारा एडिटिंग या गेमिंग का वर्क है, या फिर तुम एक 3D डिज़ाइनर हो तो गो विद 512 GB SSD, बाकी तुम 240 GB की SSD की तरफ भी जा सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट, 1000 rupees का फर्क यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूँ तुम्हारा सबसे बड़ी चीज़ की तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। अब गाइस ग्राफिक्स कार्ड इस बिल्ड में मैंने लिया ASUS की तरफ से आने वाला RX 6750 XT 12 GB। अब यार यहाँ पे आप लोग का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होगा या फिर कमेंट में आप पूछोगे कि भाई आप NVIDIA की तरफ क्यों नहीं गए, तो देखो यार सिमिलर प्राइस पॉइंट में NVIDIA की तरफ से तुम्हारा RTX 4060 या 8 GB वर्जन आ रहा है, जो कि तुम्हारा काइंड ऑफ 36000 rupees का पड़ रहा है। अगर तुम 4060 Ti की तरफ जाओ तो 4060 Ti तुम्हें जो है 42-43000 का पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने दोनों ही कार्ड्स को कंपेयर किया, तो 6750 XT बहुत ज़्यादा सिमिलर तुम्हारा RTX 4060 और 4060 Ti के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। तो यार मुझे तुम्हें एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई कार्ड सिमिलर मिल रहा है, ठीक है, तो यार तुम सिमिलर कार्ड्स को क्यों एक्स्ट्रा तुम्हें मनी पे करना है। और देखो बेसिकली 8 GB रैम
लिमिटेशन है आज के टाइम में 2023 में। अगर तुम्हें आइडिया नहीं हो तो मैंने आई बटन पे तुम्हारा वीडियो तुम्हें दिख रहा होगा जिसमें मैं तुम्हें अच्छे से बताया है कि भाई आज के टाइम पे इन 2023 तुम्हें कितनी जीबी वीराम का ग्राफिक्स कार्ड कंसिडर करना चाहिए। और मैं 1,00,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो भाई मैं फ्यूचर प्रूफिंग को देख के पीसी बना रहा हूँ कि आने वाले 3 या 4 साल में जो गेम्स आएंगे क्या वो मेरा पीसी चलाने की केपेबल रह पाएगा। तो यार उन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमने बजट के अंदर द वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड असूस का तुम्हारा RX 6750 XT बाई किया है जो कि तुम्हारे 12 GB की वीराम के साथ आ जाता है। उसके बाद इस बिल्ड में हमने रैम लिए। देखो इसमें भी काफ़ी लोग के क्वेश्चन होंगे कि भाई आपने 8 GB की स्टिक्स क्यों नहीं ली। तो मैं तुम्हें बताऊं कि भाई तुम्हारा जो DDR5 रैम है वो 8 GB में आई थिंक आना बंद हो गई है अब, और तुम्हारा 16 GB जो है वो बेस एक सिंगल स्टिक मिलती है। 1,00,000 रुपीज़ के बजट के अंदर हमारा बजट ऊपर जा रहा था तो हमने 16 GB ही रैम लिए। बाकी तुम जो है 16 GB की 2 स्टिक्स लगा के 32 GB कर सकते हो अगर तुम हार्डकोर वीडियो एडिटर हो तो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ इस बिल्ड को ठंडा करने के लिए हमने यूज़ किया है तुम्हारे डीप कूल की तरफ से आने वाला 240mm का AIO जो कि तुम्हारे 7700X को काफ़ी ज़्यादा कूल रखेगा। अब देखो अगेन वही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ओवरक्लॉकिंग कैसी रहेगी। तो यार देखो मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम ओवरक्लॉक कर रहे हो ना तो सबसे पहली बात तो तुम यार ये वाला मदरबोर्ड लोगे नहीं जो कि मैंने तुम्हें सजेस्ट किया है, ठीक है। ओवरक्लॉकिंग के लिए अदर सीरीज आती है मदरबोर्ड की, X सीरीज आती है, Z सीरीज आती है इंटेल में, तो भाई तुम उसकी तरफ जाओ। तो हम मतलब बजट प्राइस पे हम ओवरक्लॉकिंग की बात ही नहीं कर रहे। अब तुम्हारा बचा तुम्हारा कैबिनेट। तो यार कैबिनेट देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस कैबिनेट के लिए ऊपर बनाए भी हैं। इफ़ यू आर कन्फ्यूज देन गो चेक आउट दैट वीडियो एंड बाय अ गुड एयर फ्लो कैबिनेट फॉर दिस काइंड ऑफ पीसी। तो मैं जो है पीसी बिल्ड देखकर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यार ये वाला जो पीसी है वो तुम्हारा कितना कैपेबल होने वाला है, कितना अच्छा खासा तुम्हें परफॉर्मेंस दे सकता है। और अगर तुम्हारी कुछ क्वेरीज है इन पीसी को रिलेटेड या फिर इस पीसी पार्ट्स को कुछ रिलेटेड अगर तुम्हारी क्वेरीज है तो यार तुम मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, जिससे जो है तुम्हारी और ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बस गाइस होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद।